कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको CGPSC ई पाठशाला के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। CGPSC ई पाठशाला के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है, जिसकी क्लासेस 15 मई 2024 से CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में शुरू हो जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोबाइल ऐप का लिंक आपको चैट सेक्शन के पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम हमारे CGPSC ई पाठशाला के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के ऑनलाइन बैच में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर कराए जाएंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट होगा, वीडियो की वैलिडिटी कब तक की रहेगी, वीडियो में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यही ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ऑनलाइन बैच बन रहा है ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच है। इसमें इंडियन GS भारतीय सामान्य अध्ययन शामिल नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ GS का ये जो है ऑनलाइन बैच बन रहा है। छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी, जो कि CGPSC प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए ये ऑनलाइन बैच बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें भारतीय सामान्य अध्ययन शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो आपका ऑनलाइन क्लास है ये ऑनलाइन क्लास CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में कंडक्ट होगी। CGPSC ई पाठशाला का मोबाइल ऐप, देखिए वैसे तो ये जो मोबाइल ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पर भी लिस्ट था, लेकिन गूगल ने कुछ अपनी पॉलिसी चेंज की है, इस कारण से अभी कुछ दिनों के लिए प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप हट गया है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसके चैट सेक्शन में जाएंगे तो पहला ही आपको एक कमेंट मिलेगा जिसमें मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आने वाले 4-5 दिनों में भी गूगल प्ले स्टोर पर हमारा CGPSC ई पाठशाला का मोबाइल ऐप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्लासेस शुरू हो रही है 15 मई 2024 से। 15 मई 2024 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन 14 मई 2024 तक यानी कि एक दिन पहले तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि 14 मई के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी, आप बाद में भी कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर से अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहेंगे तो साथ में चलेंगे तो चीज़ें अच्छे से कवर होती हुई चलेगी। पता चल रहा है 15 मई से क्लास शुरू हुआ है, आप जून जुलाई लास्ट में आप जो है क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका पहले का क्लास, देखिए मोबाइल ऐप में तो वीडियो बना रहेगा लेकिन जो रेगुलरिटी साथ चलने में रहती है ना, जैसे मैं आज वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये एक रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये जो आपका मोबाइल ऐप में ऑनलाइन बैच का रजिस्ट्रेशन लास्ट तक चलते ही रहेगा, ठीक। कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा मेरे द्वारा 4 महीने में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो कोर्स है इसे मैं 4 महीने में आपका कंप्लीट कर दूंगा। वैसे तो ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कोर्स को 3 से 3.5 महीने में मैं कवर करा देता हूँ, लेकिन मैं सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 4 महीने का समय ले रहा हूँ। फिर बाद में आप बोलेंगे कि सर आपने 3 महीने का समय दिया था और आप ज़्यादा समय ले रहे हैं। 4 महीने का समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ भी कंडीशन आ सकता है, हो सकता है कुछ मेरा मेडिकल इशू आ गया या कुछ किसी दिन जो है कुछ टेक्निकल इशू आ गया, माइक काम कर रहा है, माइक काम करना बंद कर दिया, डिजिटल बोर्ड काम करना बंद कर दिया, या कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं या सामने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे तो शोर शराबा के कारण वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कंडीशन हो सकता है जिसके कारण हो सकता है कि किसी दिन क्लासेस ना हो, तो इसलिए सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 4 महीने का समय मैं ले रहा हूं। 4 महीने में आपका कंप्लीट सामान्य अध्ययन का कोर्स कवर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। यानी कि 15 मई से क्लासेस शुरू हो रही है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर तक आपकी सारी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी रहेगी नेक्स्ट ईयर 2025 28 फरवरी 2025 तक आप
जो है वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, चार महीने में तो मैं कोर्स कवर करा दूंगा, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मोबाइल ऐप में सारे वीडियो एज इट इज बने रहेंगे। कब तक? अगले साल के 28 फरवरी 2025 तक। जनरली फरवरी के महीने में आपका पीएससी प्री एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाता है। पीएससी प्री के बाद यानी कि उसके महीने के एंड तक जो है मोबाइल ऐप में सारे वीडियो बने रहेंगे। देखिए, एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस टिल 28 फरवरी 2025। 28 फरवरी तक की वैलिडिटी है, यानी कि इस दौरान आप हर एक वीडियो को जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। चाहे एक बार देखे, दो बार देखे, 10 बार देखे, 20 बार देखे, 50 बार देखे, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वीडियो को एक ही बार देख सकते हैं या दो बार देख सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक इसमें अपलोड सभी वीडियो को आप जितने बार चाहे उतने बार आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी 2025 के बाद आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आपको सफिशिएंट समय मिल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 10 महीने का समय मिल रहा है। अगर 10 महीने में भी आप इस 4 महीने के कोर्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, या आप ये बोलेंगे बाद में आकर के, सर मेरा ये टॉपिक छूट गया है, तो ये आपकी बेईमानी है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि 15 सितंबर, ज्यादा से ज्यादा 15 के जगह 20 सितंबर हो जाएगा, 15 से 20 सितंबर तक मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, और आपको टोटल मिल रहा है 10 महीने का समय। 28 फरवरी 2025 के बाद कोई भी स्टूडेंट मैसेज नहीं करेगा कि सर 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वैलिडिटी बढ़ा लीजिए। पहले से ही इस लेक्चर में टाइम सेट कर दिया गया है, 28 फरवरी 2025 के बाद ऑटोमेटिकली सारे वीडियोस मोबाइल ऐप से हट जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स पर डे जो है आपको 2 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। एक दिन में आपको 2 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और उस वीडियो लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन है वो 15 से 40 मिनट का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक, यानी कि टॉपिक किस प्रकार से है। मैं चाहूँ तो देखिए, मेरी जो कैपेसिटी है ना, मैं एक दिन में 10 वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराना उद्देश्य नहीं है, चीज़ों को समझते हुए एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को हमें कवर करना है, ताकि बाद में आप कोई भी अनसॉल्व उठा के सॉल्व करें तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराने की हड़बड़ी मत कीजिएगा। जो 4 महीने का समय दिया गया है उसमें पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा, उसके बाद आप उठाए कोई भी अनसॉल्व सॉल्व कीजिए, आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। पर डे जो है आपको 2 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 15 से 40 मिनट का। देखिए, 15 से 40 मिनट का मतलब ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ जिला दर्शन, सबसे पहले मैं आपको 33 जिलों का मैप बना करके बताऊंगा। अगर मान लीजिए मैं नारायणपुर जिले का मैप बता रहा हूँ या दुर्ग जिले का मैप बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे जिले हैं जो कि मुश्किल से 20-25 मिनट में पूरे कवर हो जाते हैं। वहीं अगर मैं आपको बिलासपुर जिला या रायपुर जिला पढ़ाऊंगा, वो 40-45 मिनट का बनता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु पढ़ेंगे, वो 1 घंटे का लेक्चर बनता है। तो ये क्या है, आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक हम किस दिन कवर कर रहे हैं। अगर कोई छोटा टॉपिक है तो उसे ज़बरदस्ती लंबा खींचने से मतलब नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ये जो ऑनलाइन क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास में मैं लाइव क्लासेस ना लेकर के आपको डेली बेसिस पर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके दूंगा, यानी कि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। उसका कारण क्या है कि जो एडमिशन होते हैं हमारे ऑनलाइन बैच में, क्योंकि आपको मालूम है कि YouTube के थ्रू जो है बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो स्टूडेंट है आपके अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कुछ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि आपका सुकमा हो गया, कोंटा हो गया, नारायणपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। कई जगह में जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही नहीं रहती। बहुत से ऐसे भी लोग ज्वाइन करते हैं जो आर्मी में अलग अलग बटालियन में पोस्टेड है, यानी कि आर्मी में जो आपके वर्किंग में है वो रिटायरमेंट के बाद ये सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। क्योंकि पिछले अभी 2-3 साल से जब मैं ये कोर्स चला रहा हूँ तो उसमें अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे आर्मी जो कि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग भी ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑनलाइन आकर के बैठना पॉसिबल नहीं होता। और ये जो इतने सारे एडमिशन होते हैं, अब मान लीजिए मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ और नंबर ऑफ स्टूडेंट एक बार में लॉग इन करके पढ़ रहे हैं,
अब जैसे मान लीजिए 550-600 बच्चे एक बार में पढ़ रहे हैं, उसमें से किसी एक स्टूडेंट का भी अगर नेटवर्क का काम नहीं कर रहा है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस अगर सही तरीके से नहीं चल रही है, तो उसके कारण बाकी बचे हुए सभी स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज जैसे कि मैंने बताया जो वीडियो लेक्चर है वो 15-40 मिनट का रहता है। अब मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा तो बोर्ड पर लिखूंगा, लिख करके मिटाऊंगा, मिटाने के बाद आपको भी लिखने के लिए समय दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, जबरदस्ती का वीडियो लंबा होगा। इसमें अगर मैं इसको रिकॉर्ड करके एडिट करके बीच का जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपको हटा करके दूं तो वीडियो लेक्चर केवल इफेक्टिव बनेगा। इसमें आपको केवल वही चीज़ें मिलेगी जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जो इंतज़ार करने में जो समय लग रहा है, जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिखा, फिर आपको लिखने के लिए समय दिया, फिर मिटा रहा हूँ, फिर बैठ करके उस पर कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जबरदस्ती के लंबे लंबे वीडियो लेक्चर्स को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जो देखिए मैं डेली बेसिस पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव लेक्चर में क्या होगा, जबरदस्ती का समय लंबा खींचेगा। जो टॉपिक आधे घंटे में मैं कवर करा सकता हूं, आधे घंटे में जो टॉपिक आप समझ सकते हैं, उसके लिए आप लाइव क्लासेस में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा इंतजार कर रहे हैं। उतना समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा चीज़, नेटवर्क का कभी इशू होता है बहुत से स्टूडेंट को, लाइव लेक्चर उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इस कारण से आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट सबमिट, आपको इस सामान्य अध्ययन के ऑनलाइन बैच में किसी भी प्रकार का कोई भी नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर देख करके आपको अपना नोट्स बनाना है और नोट्स सबमिट करना है। असाइनमेंट सेक्शन होता है हमारे मोबाइल ऐप में। अब वो देखिए जिस रोज आपका 15 मई को फर्स्ट डे का लेक्चर आएगा, मोबाइल ऐप को किस प्रकार से एक्सेस करना है, कहाँ पर असाइनमेंट, कहाँ पर जो है नोट्स बना करके आपको सबमिट करना है, किस प्रकार से मैं चेक करूँगा, वो सारा चीज़ मैं आपको पहले दिन के लेक्चर में बता दूंगा। मेरे द्वारा आपको कोई भी नोट्स नहीं दिया जाएगा। देखिए जब से ना कोरोना काल का समय आया है और जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई है, एजुकेशन जब से ऑनलाइन हुआ है, तब से लोगों को इस ऑनलाइन एजुकेशन ने आलसी बना दिया है। मैं वीडियो में खड़े होकर के आपको एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा यहाँ पर लेक्चर दे करके चले जाऊँगा। बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप बना करके, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, आपने बैठ करके वीडियो देख लिया, जो नोट्स मिला उसको रट्टा मार लिया, आपका अपना क्या मेहनत लगा। थोड़ा सा मेहनत करने का हैबिट डालना है। अपने हाथ से जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। वरना मार्केट में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट के, बहुत से पब्लिकेशन के मोटे मोटे पुस्तकें अवेलेबल है। अगर पुस्तक पढ़ करके आप कवर कर सकते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको चलना होगा पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ। मार्केट में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत से पब्लिकेशन के काफ़ी मोटे मोटे बुक अवेलेबल है, 1,000 पन्ने, 1,200 पन्ने के वहाँ पे बुक अवेलेबल है। ऑथेंटिक बुक, ग्रंथ एकेडमी की फोटोकॉपी नोट्स अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति, समग्र छत्तीसगढ़ पढ़ सकते हैं तो उसे पढ़ लीजिए, अगर बिना कोचिंग के तैयारी कर सकते हैं तो। अगर पुस्तक पढ़ करके चीज़ें कवर हो सकती है तो कोचिंग को ज्वाइन करने से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि अपने हाथ से आप जो भी नोट्स बनाएंगे ना, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। डेली आपको नोट सबमिट करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, अगर आप कोई मैप बनाएंगे, बिलासपुर जिले का मैप बनाएंगे, दुर्ग जिले का मैप बनाएंगे, रायपुर जिले का मैप बनाएंगे, वहां पर कहां कौन सी गलती आप करेंगे वो चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहां पर ये चीजें गलत बताई है, वो गलती आपको याद रहेगा। जो चीजें आप लिखेंगे वो आपको याद रहेगी। जो लोग अपना नोट्स बनाते हैं वो एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में आप कोई भी पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो माइंड में ऑटोमेटिकली आपका बनाया गया नोट्स का जो कॉपी है ना, वो उसका पन्ना पलटने लगता है कि मैंने इस जगह के, इस पेज के इस कोने में ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप बार बार उस नोट्स से रिवाइज करते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल वीडियो लेक्चर्स और पके पुकाए नोट्स के भरोसे मत बैठिएगा। बिना मेहनत करे कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा। अगर मैं जवाबदारी ले रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो देखिए कोर्स कंप्लीट कराना उद्देश्य नहीं है,
इस 4 महीने के दौरान पूरी चीजें साथों साथ आपको क्लास के दौरान चीजें याद होनी चाहिए। जो भी लेक्चर चलेगा उसका 60-70% आपको लेक्चर के दौरान याद कराने की गारंटी मेरी है, अगर ईमानदारी से चलेंगे तब। बीच में कहीं पर भी बेईमानी करेंगे कि नहीं आज का लेक्चर मिस हो गया, कल अगले दिन का मिस हो गया, 3-4 दिन का एक साथ बैठ करके सुबह से शाम तक कवर कर लूंगा, तो ऐसे में कभी भी आपका कोर्स कवर नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हजम होगा, इकट्ठा बैठ करके एक साथ खाने की कोशिश करेंगे अनपचन हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे 2 वीडियो आ रहा है, भले छोटा ही आ रहा है लेकिन आपको कवर करना है। जो जॉब वाले हैं जिनका जो है 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, अब वो बोले कि हम किस प्रकार से करें या हम नोट्स कैसे बनाएं, सुबह जल्दी उठ करके लगभग जो है डेली बेसिस पे आपको मैं 8 से 8:30 बजे के बीच में पहला लेक्चर, उसके 1 घंटे बाद दूसरा लेक्चर दे दूंगा। तो सुबह जल्दी उठ करके एक लेक्चर अटेंड कर लीजिए, मोबाइल ऐप में तो वीडियो रहेगा ही, शाम को ड्यूटी से आने के बाद एक वीडियो लेक्चर अटेंड कर लीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे अटेंड कीजिए। जॉब वालों को एक फ्रीडम ये दिया जाएगा कि उनका नोट्स मैं संडे को भी बैठ करके चेक करूंगा। देखिए आलस्यपना करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, मेहनत करने का केवल एक ही कारण होना चाहिए कि हमें एग्जाम फाइट करके निकालना है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। वीडियो में आपको फैसिलिटी मिलेगी ऑफलाइन डाउनलोड करने की। ऑफलाइन डाउनलोड की फैसिलिटी मिलेगी का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट हैं जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी की इशू है, कोई छतों पर चढ़ करके डाउनलोड करते हैं या छतों में जाकर के वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं। अलग अलग जो बटालियन वाले हैं उनको भी एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है कि वो मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर में आपको लेक्चर को ऑफलाइन डाउनलोड करने का भी परमिशन दिया जा रहा है। जब कभी भी आपके पास नेट कनेक्शन अच्छा है आप वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके मोबाइल, देखिए ये जो डाउनलोड होगा ये आपके फाइल मैनेजर में नहीं मोबाइल ऐप में ही सेव रहेगा। जैसे ही इसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी आपके मोबाइल ऐप से भी वीडियो लेक्चर हट जाएंगे। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद हम जब चाहे तब इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैलिडिटी लास्ट है आपका 28 फरवरी 2025 तक। वैलिडिटी ओवर होने के बाद ये ऑफलाइन डाउनलोड की भी सारी चीज़ें हट जाएंगे। और मैं जहाँ तक आपको सजेशन दूंगा, जो बैचलर्स है जो केवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो डाउनलोड मत कीजिएगा। डेली बेसिस पे जो वीडियो आ रहा है उस डेली बेसिस पे आने वाले वीडियो को देख करके अपना तैयारी कीजिए। मैं जॉब वालों के लिए फैसिलिटी बता रहा हूँ जिनके पास समय की कमी है, वरना पता चल रहा है 3-4 दिन के लेक्चर को ऑफलाइन डाउनलोड कर लिए, आज पार्टी में जाना है देख नहीं पाए डाउनलोड कर लेते हैं, कल यहाँ पे घूमने जाना है देख नहीं पाए डाउनलोड कर लिए, ऐसे करते करते इतने सारे वीडियो का भंडार हो जाएगा कि उस उतनी क्वांटिटी में वीडियो देख करके ही आपका उसको खोल के देखने का इच्छा नहीं करेगा। शुरू में ऐसा लगता है कि 1-2 लेक्चर मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कब देखते देखते 10-12-15 आपके लेक्चर मिस हो जाएंगे, फिर वही चीज़ ना बहुत भारी लगने लगेगा। तो डेली बेसिस पर हमारे साथ चलिएगा, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको CGPSC ई पाठशाला का मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी गूगल की कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, इस कारण से प्ले स्टोर से हमारा CGPSC ई पाठशाला का मोबाइल ऐप हट गया है। तो इस YouTube वीडियो के चैट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें क्लिक करके आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको मैं आगे प्रोसेस में बताऊँगा, ठीक है। देखिए अब इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ जिला दर्शन हम कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ में टोटल आपके 33 जिले हैं, यहाँ 28 लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में टोटल आपके 33 जिले हैं। पूरे के पूरे 33 जिलों को हम मैप बना करके कवर करेंगे, ठीक है। इसका पूरा कंप्लीट मैप बना करके छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को हम कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई जिला पढ़ रहे हैं तो उस जिले से होकर के कौन कौन से सड़क गुजर रही है, उस जिले के कौन कौन से फेमस प्लेस है यानी कि प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सी वहाँ पर इंडस्ट्री है, कौन सा वहाँ पर नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, या फिर कहाँ पर जो है आपके राष्ट्रीय आपके अभ्यारण्य है, तो उस एक पर्टिकुलर जिले से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन हम मैप बना करके प्रैक्टिस करेंगे।
और इस एक अकेले छत्तीसगढ़ जिला दर्शन टॉपिक से आपका 40-45% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस लेक्चर में। इस 33 जिलों के मैप के प्रैक्टिस को मिस मत कीजिएगा। जिसको छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों का लोकेशन याद हो गया पूरा मैप बना करके, उसके लिए 40-45% सिलेबस यहीं पर कवर हो जाता है। जिसका छत्तीसगढ़ जिला दर्शन वाला टॉपिक अगर उसको अच्छे से क्लियर है तो ऑटोमेटिकली उसके लिए छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति इतिहास ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। क्योंकि ये सारे टॉपिक ना एक दूसरे से लिंक है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको बताऊंगा कि आपके रायपुर जिले के इस स्थान पर ये आंदोलन हुआ, आपको केवल उसको फिर रटना पड़ेगा, लेकिन मैप में अगर आप वो लोकेशन को ट्रेस करके रखेंगे कि इतिहास के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि इस पुरातात्विक स्थल पर ये साक्ष्य प्राप्त हुए, ये जिला दर्शन से कवर होगा। जब तक जिला दर्शन आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कोई भी आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, केवल और केवल रट्टाफिकेशन में आप रह जाओगे। लेकिन अगर ये जिला दर्शन आपका अच्छे से समझ आ गया तो आगे का पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहां तक कि जो हम करंट अफेयर भी मैं आपको YouTube में पढ़ाता हूं, उस करंट अफेयर में भी जब कभी भी कोई भी लोकेशन ट्रेस करने का रहता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो मैपिंग बनते रहेगा कि छत्तीसगढ़ का एक नक्शा बनेगा, उसका एक जिला आपके माइंड में आएगा और वो लोकेशन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक स्थलाकृति, नदी, जलप्रपात, सिंचाई परियोजना, जलवायु, मिट्टियां, खनिज, वन, उद्योग, ऊर्जा, यानी कि कंप्लीट छत्तीसगढ़ के भौगोलिक अध्ययन को हम कवर करेंगे जिला दर्शन वाले टॉपिक के बाद। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, कितनी प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है, वे जनजातियाँ कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, जनजाति की बोली क्या है, भाषा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, जनजातियों में कौन सा नृत्य है, जनजाति में कौन कौन सी विवाह पद्धतियाँ हैं, उनके प्रमुख देवी कौन है, देवता कौन है, ये सारा चीज़ जो है हम छत्तीसगढ़ की जनजाति वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख व्यंजन प्रचलन में है, महिलाएं कौन से आभूषण पहनते हैं, लोकगीत कौन से हैं, लोक नृत्य कौन से हैं, एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पुरातात्विक स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या रहा, कलचुरी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, मराठा के बारे में पढ़ेंगे, भारत की आज़ादी वर्ष 1947 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, ये सारा टॉपिक कवर होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत एवं नगरी निकाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राम पंचायत और नगरी निकाय वाले टॉपिक से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े कथन आधारित प्रश्न इससे बनते हैं। एक साल ऐसा हुआ था 2015-16 या 16-17 का एग्जाम था, जिसमें लगभग 25% यानी कि जो 50 का आपका वेटेज रहता है, जो PSC प्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ GS से और 50 क्वेश्चन इंडियन GS से आता है। तो जो 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ GS का था उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ग्राम पंचायत से एक साल, और उसके अगले साल 20 से 25 क्वेश्चन नगरी निकाय से आ गया था, यानी कि इसका अचानक से इसका वेटेज बढ़ा दिया था। अभी तो एक एवरेज पेपर आता है जिसमें आपको ग्राम पंचायत नगरी निकाय से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसे हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नवीन योजनाओं को हम पढ़ेंगे, नई योजनाओं को, जैसे कि अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, उनके द्वारा जो नए योजनाएं शुरू की जा रही है, जैसे कि आपका महतारी वंदन योजना शुरू किया गया, कृषक उन्नति योजना शुरू किया गया, ठीक है, आपका श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू किया गया, अभी तो ये कुछ 2-3 योजनाएं उन्होंने शुरू की है, ठीक, अभी आपका चुनाव आ गया करके बहुत से आपकी नई योजनाओं पर रोक लगा दिया गया, आने वाले समय में और भी कई नई योजनाओं को शुरू करेंगे। तो जितनी भी नई योजनाएं रहेगी उसे हम लास्ट में कवर करेंगे, और जो पुरानी योजना है, जो ओल्ड स्कीम है, उन पुरानी योजनाओं को हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का वीडियो लेक्चर जो कि YouTube पर आता है उसमें कवर करेंगे। YouTube पर मेरे द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो YouTube में जाकर के आप आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 15 और अध्याय 16
उसमें जो है आपकी पुरानी योजनाएं उसमें दी गई है, जैसे कि मुख्यमंत्री आपका पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निशक्तजन पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, नोनी सुरक्षा योजना, ऐसे जो पुराने स्कीम जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, उन ओल्ड स्कीम को हम आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। और जो नई योजनाएं हैं उसे हम हमारे ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के विविध, यानी कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा, छत्तीसगढ़ में प्रशासन, छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार, ये सारी चीज़ें जो भी बचे हुए जो मिसलेनियस फैक्ट हैं उसे हम लास्ट में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर देखने के लिए आपको केवल 8 टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे सिलेबस को कवर कराने में काफ़ी समय लगता है, 3.5-4 महीने का समय लगता है। अकेला ये जो छत्तीसगढ़ जिला दर्शन वाला जो टॉपिक है ना, ये छत्तीसगढ़ जिला दर्शन वाला टॉपिक ही आपका कम से कम 15-18 दिन खींच देगा। हर एक जिले का मैप बना करके हमको उसको प्रैक्टिस करना है, और ये जिला दर्शन वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये अगर अच्छे समझ में आ गया ना तो आगे का आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन। छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन देखिए, इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्थलाकृति, नदी जलप्रपात, सिंचाई परियोजना, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वन, उद्योग, ऊर्जा, देखने के लिए छोटे छोटे टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन हर एक टॉपिक को कवर कराने में 3-2 दिन ऐसे समय लगता है। प्राकृतिक, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक बनावट को देखेंगे, कौन कौन से शैल समूह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, शैल समूह क्लियर होगा उससे मिट्टियाँ क्लियर होती है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक बनावट कैसी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ नदियाँ यानी कि कौन कौन से नदी प्रवाह तंत्र है, महानदी प्रवाह तंत्र, शिवनाथ नदी प्रवाह तंत्र, सोनगंगा प्रवाह तंत्र, नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी इंद्रावती नदी प्रवाह तंत्र, हर एक प्रवाह तंत्र अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक। जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं तो कौन कौन से जिले में कहाँ कहाँ पर कौन सा जलप्रपात है, सिंचाई परियोजनाएँ, ठीक है, कौन कौन से बांध है, कहाँ कहाँ पर सिंचाई परियोजनाएँ संचालित है, जलवायु अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चन तो एक दो ही आते हैं लेकिन घुमा करके आते हैं, मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग जिले में किस प्रकार की कौन सी मिट्टियों का वितरण है, उनका स्थानीय नाम क्या है, खनिज यानी कि खनिज छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक बनावट के आधार पर कौन कौन सा खनिज का लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, लौह अयस्क, कोयला, डोलोमाइट, टीन, बॉक्साइट, कोरंडम कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है, यूरेनियम अभी नवीनतम खोज, लिथियम नवीनतम खोज, ठीक है। वन के अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आपका नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सारा हम कवर करेंगे। उद्योग, इंडस्ट्री, ऊर्जा, ये सारे टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ पे तो एक सिंगल टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत से सब टॉपिक रहते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है, केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, उनके अभिकरण, उनके प्रकोष्ठ, उनकी जनजातियों की बोली क्या है, भाषा क्या है, खान पीन क्या है, रहन सहन क्या है, उनमें कौन से टोटमवाद प्रचलन में है, ठीक है, कौन सा बोंगावाद वहाँ पर प्रचलन में है, विवाह पद्धति क्या है, वो कौन से नृत्य करते हैं, कौन किस प्रकार का भोजन खाते हैं, किस प्रकार का उनका पेय पदार्थ है, जनजातियों से बहुत से मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं अलग अलग प्रकार के, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जनजाति। उसके बाद छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति, तीज त्यौहार हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन से माह में, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अघ्घन, पौष, जनवरी, फरवरी काम नहीं आता, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम याद करने हैं, वो सब मैं करवा दूंगा, महीनों के नाम याद करने हैं और कब कब कौन कौन सा तीज त्यौहार मनाया जाता है, कौन से पारंपरिक व्यंजन प्रचलन में है, आभूषण, लोकगीत, लोकनृत्य, छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 1 महीने का समय तो यही लेता है, 1-1.5 महीने का समय ले लेता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, इस बार जो है थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा सिलेबस में, ग्राम पंचायत में अब जो है धाराओं से प्रश्न आ रहा है, ग्राम पंचायत के किस अधिनियम के किस धारा में क्या चीज़ बताया गया, धाराओं से अब थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं बता दी आपको, नवीनतम योजनाओं को पढ़ेंगे, प्राचीन योजना यानी कि जो ओल्ड स्कीम है, जो पुरानी योजना है उसे आर्थिक सर्वेक्षण में हम कवर करेंगे, और छत्तीसगढ़ विविध यानी कि जो बचे हुए फैक्ट है उसे हम छत्तीसगढ़ विविध के अंतर्गत कवर करेंगे। यूट्यूब पर आर्थिक सर्वेक्षण और करेंट अफेयर के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए समय समय पर अपलोड होते रहेंगे। क्लासेस मंडे टू सैटरडे होगी, संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे के दिन आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो या करेंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपको शेड्यूल बताते जाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब एक चीज समझिएगा
कोर्स में आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक डाउट स्टूडेंट का रहता है उसको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले चीज कि क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी, उसका कारण क्या है, स्टूडेंट का नेटवर्क इशू रहता है, जॉब वाले बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, टाइमिंग का इशू रहता है और कोई भी टाइम बाउंडेशन इसमें नहीं रहता। ज़बरदस्ती के लंबे वीडियो लेक्चर्स ना करके हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है। दूसरा चीज़, हम जीरो से एडवांस लेवल पर क्लासेस को कवर करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए ज्वाइन करेंगे इस बैच को, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले एक दो साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या सेल्फ स्टडी करके आए हैं। तो जो नए स्टूडेंट है ना, उन्हें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के नाम ही याद करने में काफ़ी समय लगता है, कंपेयर टू ऐसे स्टूडेंट जो कि 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनको छत्तीसगढ़ के जिलों के नाम, तहसीलों के नाम, लोकेशन, नेशनल पार्क, उनको नेशनल हाईवे सारे याद है। तो कोई देखिए, कुछ टॉपिक हो सकता है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोरिंग लगे, लेकिन यहाँ आपको बोर नहीं होना है। हमें सबको लेते हुए चलना पड़ता है, हमको जीरो से लेकर के एडवांस तक बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट है, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ें फैमिलियर है। जगह के नाम, जिलों में जो स्थान है उनके नाम, ये सारी जानकारी उनको है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है ना, उन्हें जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, एकदम ग्रेजुएशन होकर के पहली बार आया है, उन्हें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का ही नाम याद नहीं रहता। जो 2 साल से ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप फर्स्ट टाइम तैयारी करने बैठे होंगे इस छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी का, तो उसमें सबसे पहले तो आपको छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के नाम याद करने में ही काफ़ी कठिनाई आई होगी। जिलों के बाद उसके अंतर्गत तहसील, प्रमुख स्थानों के नाम याद करने में कठिनाई आता है। सारे नाम उटपटांग लगते हैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए। तो कोई ये मत बोलिएगा कि सर ये काफ़ी ईजी तरीके से आप बता रहे हैं, या ये तो सब हम जानते हैं, ये करते हैं। हमको सभी को लेते हुए चलना है, जीरो से एडवांस की ओर बढ़ना है। प्रीवियस हर एक टॉपिक के साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। अलग से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेक्चर के दौरान आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से घुमा करके वही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। और अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो मोबाइल ऐप में नीचे तरफ चैट सेक्शन बना होता है, आगे दिखाता हूँ आपको चैट सेक्शन। उस चैट सेक्शन में जा करके आप अपना लेक्चर नंबर डाल करके, जैसे लेक्चर 1.1 या लेक्चर 2.1 ऐसे डाल करके नीचे अपना डाउट लिख दीजिएगा कि इस टॉपिक में डाउट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चैट में आपको मैसेज करते से ही तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। हो सकता है आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 5 घंटे बाद रिप्लाई आए, लेकिन रिप्लाई आएगा जरूर। तुरंत मैसेज करके तुरंत रिप्लाई का उम्मीद मत कीजिएगा। मुझे भी बहुत से काम रहते हैं, आप लोगों का लेक्चर्स प्रिपेयर करना रहता है, आप लोग जो नोट सबमिट करेंगे उसे चेक करना होता है, रिप्लाई जरूर करूंगा। या फिर हो सकता है कि अगर आपका डाउट मिस हो जाए तो जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 9109340480, इस नंबर पर जो है आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। लेकिन पहले आपको चैट सेक्शन में जा करके अपने डाउट्स पूछने हैं, तो डाउट वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स को कवर कराने की डिमांड नहीं करेगा कि सर शिक्षक भर्ती का एग्जाम पास में आ गया जल्दी करा दीजिए, छात्रावास का एग्जाम पास में आ गया जल्दी कवर करा दीजिए। 15 मई से क्लासेस शुरू होगी तो 15 सितंबर तक क्लासेस होगी। सर छात्रावास वाले टॉपिक में या शिक्षक भर्ती में ये टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप भौगोलिक अध्ययन छोड़ दीजिए, जिला दर्शन छोड़ दीजिए, हमें डायरेक्ट जो है आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाइए। जिस सीक्वेंस में टॉपिक लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में क्लासेस चलेगी, किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस नहीं होगी। जितना समय लगना है उतना समय लगेगा। मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। क्रैश कोर्स कराना होता तो 1 से 1.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा देता, सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाती। जो पहले के जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनको, उनसे पूछिएगा, एक बार कोर्स करने के बाद ना केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही बस प्रैक्टिस करने होते हैं। हड़बड़ी का काम शैतान का, एक बार आराम से समय निकाल करके पढ़िए, हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो ये टॉपिक के हिसाब से चलेगा। कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स कवर कराने की डिमांड मत करिएगा। तीसरा चीज, जो फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है, डाउनलोड करने की फैसिलिटी, क्वालिटी, जैसे यूट्यूब पे आप क्वालिटी सेट करते हैं, हो सकता है कि जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें हैं वो धुंधली दिखे। दिखे का मतलब आपको उस समय क्वालिटी जाकर के उसमें सेट करना है,
480 पिक्सल पे, 720 पिक्सल पे जाकर के आपको वीडियो का क्वालिटी सेट करना होगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर हमारा मोबाइल डाटा ख़त्म हो जाता है, वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा बनाइए। ऑनलाइन क्लास का मतलब ही यही है कि आपका मोबाइल डाटा खपत होगा। दिन दिन भर बैठ करके इंस्टाग्राम रील्स आप देख सकते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, लेकिन करियर बनाने वाले कोर्स के लिए आपके मोबाइल डाटा ख़त्म होते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले के स्टूडेंट ने ऐसा मैसेज किया था मुझे, सर इतना लंबा वीडियो लेक्चर मत बनाइए, पूरा मोबाइल डाटा ख़त्म हो जाता है। ऑनलाइन लेक्चर का मतलब ही है कि आपका मोबाइल डाटा ख़त्म होगा। थोड़ा ज़्यादा वाला पैक उसमें डाल करके रखिएगा अपने मोबाइल में। केवल वीडियो देखने पे डाटा ख़त्म हो जाता है, बाकी चीज़ के लिए यूज़ नहीं, बाकी यूज़ के लिए बचता नहीं। क्या यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम रील देखेंगे या यूट्यूब का वीडियो देखेंगे? तो ये कमेंट मत कीजिएगा। आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं अपने लेक्चर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। जो टॉपिक एक घंटे का है, डेढ़ घंटे का है, उसको उतना ही समय लगेगा। आपके मोबाइल डाटा बचाने के लिए मैं उसको 15 मिनट में नहीं सिमटा सकता। तो ये ऐसे फालतू का कमेंट मत कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी वीडियो लेक्चर के दौरान स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। मोबाइल ऐप में फंक्शन एक्टिवेट है, कोई भी स्टूडेंट के अगर मोबाइल से स्क्रीनशॉट होता है या वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है तो मोबाइल ऐप उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। वो फिर हमारे पास रिव्यू के लिए आता है, हमको फिर देखना पड़ता है कि किस प्रकार से टेम्पर करके, मोबाइल टेम्परिंग या मोबाइल मिररिंग के माध्यम से किस स्टूडेंट ने रिकॉर्डिंग करने का ट्राई किया है। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, अगर छोटी मोटी गलती हुई तो हटाया जा सकता है, लेकिन उस आपके उस ब्लॉक को हटाने के लिए कई बार एक घंटा, दो घंटा या 24 से 48 घंटे तक का भी समय लग जाता है। उसमें आपका नुकसान होगा, आपके लेक्चर का नुकसान होगा। तो स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब कोर्स आप कहां से ले सकते हैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले तो इस चैट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा, CGPSC ई पाठशाला, यहाँ पर आपका बैनर बना हुआ है। इस बैनर पर क्लिक करेंगे तो भी इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, या फिर नीचे स्टोर सेक्शन बना हुआ है, ये स्टोर सेक्शन बना हुआ है, इस स्टोर सेक्शन में जाकर के भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सारे कोर्स का इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। ये है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन ऑनलाइन बैच। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, अब ना यहाँ पर आ रहा है आई एम इंटरेस्टेड। यही गूगल की पॉलिसी चेंज हुई है, अब किसी में बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है, नीचे एक ब्लैक पट्टी रहेगी, ब्लैक पट्टी में ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा होगा आई एम इंटरेस्टेड। क्या लिखा होगा? आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, ये लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके WhatsApp में, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया हुआ है, आपके WhatsApp में एक मैसेज जाएगा या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक रहेगा या बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर WhatsApp का, अगर आपका WhatsApp यूज़ करते हैं, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया उसमें WhatsApp नंबर है, तो यूअर लर्निंग ऐप के नाम से एक आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप में जिसमें बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आप इस बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट लिंक ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही उसमें पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमारे मोबाइल ऐप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर पेमेंट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आ रहा है तो 9109340480 इस नंबर पर आप WhatsApp में मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके आपकी जो भी इंक्वायरी है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है गूगल में, तो जैसे ही आप यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सीधा WhatsApp नंबर पर योर लर्निंग ऐप के नाम से मैसेज जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा होगा नाम, उसके नीचे हमारा CGPSC ई पाठशाला लिखा रहेगा, यहाँ पर एक ब्लू कलर में लिंक दिया है और नीचे बाय नाउ लिखा हुआ है। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका पेमेंट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, या फिर अगर आपका WhatsApp में मैसेज नहीं आता तो आपके टेक्स्ट मैसेज में, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको मैसेज मिलेगा।
इसमें जो है आपका यहाँ देखेंगे तो एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप जैसे भी क्लिक करेंगे वैसे ही आपका पेमेंट ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या कोई इस माध्यम से अपना पेमेंट नहीं करना चाहते या रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट हमारे मोबाइल ऐप में 9109340480 इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जो है एक पेमेंट लिंक लेकर के यहां से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको डायरेक्ट इस ऑनलाइन बैच में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, आपको अगर कोई डाउट पूछना है तो चैट सेक्शन यहां पर देखिए, यहां पर जो है आपका चैट सेक्शन बना हुआ है, चैट सेक्शन में भी जा करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बैच से रिलेटेड। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी रहेगी तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9109340480 पर भी मैसेज करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। ये था आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, ठीक है। चलिए,